कुछ कानून नहीं होगा जिसके जरिए आपको अपने उपज का सही दाम मिल पाएगा। तीसरा कानून ये है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। इसका मतलब है कि ठेके पर आपके साथ एक योजना बनाई जाएगी कि आप एक बड़ा अरब 20 रुपए का दाम देगा या 10 रुपए का दाम देगा या आपसे कह डालेगा कि ये गेहूं ठीक नहीं है, मुझे चाहिए नहीं। ये सब उसी पर निर्भर होगा। तो ये जो तीन कानून है, ये तीनों कानून इस तरह से बने गए हैं कि सरकारी मंडियां बंद होंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा, नहीं मिलेगा आपको, और पूरी तरह से जमाखोरी होगी। इसका मतलब है कि किसान की आवाज झुकेगी और बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े खरबपतियों की आवाज बुलंद होगी। आपको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि जो गन्ने का बकाया है, जो खास तरह से इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या है, उसको वो हल करेंगे। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आते ही 15 दिन बाद 15,000 करोड़ रुपए का जो गन्ने का बकाया है वो ब्याज समेत आपको देंगे। नतीजा क्या हुआ? 15 दिन आज नवीन आनंद जी, नदीम जावेद जी, आपका धन्यवाद कि आप आज इस सभा में आए हैं।